नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं राखी शर्मा राखी टेस्टी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, मेरे बच्चों का लंच बॉक्स तो बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मैंने यहाँ ले लिए हैं सोया बड़ी, ये मैंने छोटे साइज के सोया बड़ी लिए हैं 1 कप। इसे हम गर्म पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार और इसी में ले रही हूँ 2 हरी मिर्ची, साबुत धनिया, सौंफ, 1 हरी इलायची, 4 से 5 काली मिर्ची और अब हम इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। तो हमने इसे कोस पीस लिया है। अब इसी में ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हमने जो सोया चंक्स भिगा कर रखे थे उसे हम पानी में से निकाल लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से टाइट हाथों से इसका पानी सारा निकाल कर इसे जार में ट्रांसफर कर देते हैं और इसे हम पीस लेते हैं। यहाँ हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून बेसन, अमचूर पाउडर, गरम मसाला और सभी चीज़ों को मिक्स करते हैं। यहाँ हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेकर इस तरीके से हाथों को ग्रीस करेंगे और इसमें छोटी सी बॉल्स लेकर इसके छोटे छोटे से कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इस तरीके से टिक्की बनाकर तैयार कर दी है। बस इसी तरीके से हमें सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेनी है। तो हमने सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली हैं। आइए जब तक हम अपने कबाब के लिए आटा लगाते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया है 1 बड़ा बर्तन, उसी के साथ ऐड कर रही हूँ 2 कप मैदा, 2 कप नमक और बस हम इसका आटा तैयार करते हैं। पानी को मैदा के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल और बस अब हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करते हैं। आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और आइए जब तक हम अपने कबाब को फ्राई करें। मैंने ले लिया है नॉनस्टिक तवा और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ और जो हमने कबाब बनाकर रखे थे बस उन्हें भी इस पर इसी तरीके से रख देंगे। और इन्हें अच्छे से सिकने देंगे, फिर हम इन्हें पलट कर भी सेक लेंगे। हमारे कबाब जो है वो नीचे से सिक गए थे तो मैंने उन्हें पलट दिया है और बस अब हम इन्हें थोड़ा सा इस तरफ से भी सेक लेते हैं और फिर अपना पराठा तैयार करते हैं। इस तरीके की छोटी सी एक बॉल ले ली है और बस इसे इस तरीके से गोल करेंगे और यहाँ हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसकी एक रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं हमने इसकी थिकनेस कितनी रखी है। तो कबाब पराठे की जो रोटी होती है वो थोड़ी पतली होती है, इसीलिए हमने इसको पतला और बड़ा बेलकर तैयार किया है। तो चलिए आइए हम इसी तरह से सारी रोटियां बनाकर पहले तैयार करते हैं। हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। आइए अब हम अपने पराठे को सेक लेते हैं। पराठा सेकने के लिए मैंने यहाँ आयरन के तवे का यूज़ किया है
तो ये बहुत अच्छे तरीके से गरम हो गया है। अब हम इस पर अपना पराठा, हमने जो रोटी बेल कर रखी थी उसे डाल देते हैं और बस हम इसे हल्का हल्का सा सेक लेंगे। फिर हम इसमें ऑयल, घी, बटर, आप जो भी चाहें उस चीज का यूज कर सकते हैं। बस हम इसे इस तरीके से कपड़े से दबा दबा कर सेक लेंगे। बस हमें इसे इतना ही सेकना है। तो मैं इसमें बटर का यूज कर रही हूँ, आप अपनी पसंद से जो भी चाहें घी, तेल कुछ भी लगाकर इसे अच्छी तरीके से सेक सकते हैं। तो कबाब रोल के जो पराठे होते हैं वो हल्के से सॉफ्ट ही सेके जाते हैं, इन्हें हमें बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, बस इसी तरीके से सेक कर तैयार करना है। और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। कबाब रोल बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, आप इनको बच्चों को सुबह सुबह लंच में बनाकर दे सकते हैं। और ये सोया बड़ी से बनकर तैयार होते हैं तो ये बच्चों के लिए हेल्दी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमने सारे पराठे सेक कर तैयार कर लिए हैं, आइए अब हम अपने कबाब रोल तैयार करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक पराठा, उसमें ग्रीन चटनी बस इस तरीके से लगा देंगे। जो कबाब हमने बनाकर तैयार किया था उसे हम इस तरीके से इस पर स्प्रेड कर देंगे। प्याज स्लाइसेस, ग्रीन चटनी, पिज्जा सॉस, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और अब हम इसे इस तरीके से रोल कर देंगे। तो ये लीजिए, मेरे बच्चों का लंच बॉक्स तो बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी।